नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज़ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद भी आखिर पूरा कांग्रेस चुप क्यों है अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सदन के बाहर सदन के अंदर सड़क तक तमाम जगह तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर चर्चा नहीं हो रही है दरअसल अडानी के मसले को लेकर जेपीसी के मांग को लेकर हो रही है तो इस बीच में सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कोर्ट से भी गुहार नहीं लगाई कि भाई मुझे माफ़ कर दी जाए राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि हम हमारी लीगल टीम दरअसल जो है सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का रुख करेगी तो ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी कहीं राजनीति से ही हटना तो नहीं चाह रहे राहुल गांधी संन्यासी तो नहीं लेना चाह रहे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारे आपने देखा कि राहुल गांधी को तमाम लोग मशवरा दे रहे हैं उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि आपको दरअसल इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं तो लाजमी है कि सवाल ये उठेंगे कि क्या वो कांग्रेस से हटना तो नहीं चाह रहे हैं कांग्रेस से इस्तीफा तो नहीं देना चाह रहे हैं अरे ये सवाल उठे भी क्यों ना क्योंकि राहुल गांधी का चुप रहना राहुल गांधी का डिफेंड ना करना राहुल गांधी का जवाब ना देना ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अब राजनीति से हटना चाह रहे हैं या फिर ये भी सवाल हो सकता है कि राहुल गांधी को ये एहसास हो गया कि दो हजार चौबीस का चुनाव वो जीत नहीं सकते अब आप लोगों को क्या लगता है क्योंकि अभी भी देखें आप तो सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी तमाम लोग अडानी मसले पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं अपनी सदस्यता को लेकर कहाँ कुछ कह रहे हैं कम से कम आप उसको डिफेंड तो कीजिए क्योंकि चुनाव आयोग ने आप को छः महीने का वक्त दे दिया वायनाड में उपचुनाव के लिए छः महीने का वक्त बढ़ा दिया इसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही इसके बावजूद आप कोई चर्चा नहीं करते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस्तीफा तो नहीं देने वाले कांग्रेस से आप लोगों को क्या लगता है मैं कॉमेंट कर रहा हूँ साथी बताइएगा साथी ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द पर चुप्पी क्या बताती है देश दुनिया की बारे खबरों के लिए देखते रहे स्पेन आई न्यूज़ नमस्कार